ये नीचे क्यों जा रहे भगवान? We are back with this amazing pilot. This is me. If you remember him, last time इसने 3D plane उड़ाया था. उड़ाया नहीं, crash किया था. Control थोड़ा aggressive है. गया. अभी भी ये वापस से crash करना है. वाह वाह. ये पर नौटी मत मार रे. तो आप देख सकते हो कितना cute है ये. कितना cute है. तो अनिकेत भाई इज गोइंग टू फ्लाई दिस प्लेन. जल्दी से सेटअप बता देते हैं भाई का. इसमें है 5 इंच ट्राई ब्लेड प्रॉप वाला 2600 केवी डीवाईएस मोटर. Okay. 80 एम्स ईएससी. 80 नहीं 40 है. हां 40 है. क्या बाबू भाई आपको दिखाई नहीं देता. 40 एम्स ईएससी है, वो भी रेडी टू स्काई का है. ये थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का है. 9 ग्राम सर्वोस. 2-9 ग्राम की सर्वोस है. ये 11 सेटिंग पे है. प्लेन छोटा है. विंग स्पैन कितना होगा फिर भी? 22 इंच आई गेस. ओके. और यहाँ पर है ना, यहाँ पे बैटरी जाने वाली है. बैटरी कितने एमएच की है? 2200 3S 3 सेल है. और वो भी लेमन है. कौन सी? 45C. हाँ 45C लेमन है. तो फ्रेंड्स अगर आपको लेनी होगी ना तो ऑरेंज मत लेना, लेमन लेना. अभी इसमें से एक बैटरी जाएगी. और कभी भी अपने साथ ये स्पेयर प्रोपेलर्स वगैरह लेके घुमा करो. ये सब रिपेयर किट एंड ऑल सब लेके घुमा करो. लास्ट टाइम 3D प्लेन था ये. इसका नाम क्या है वैसे? प्राइम जेट. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? अबे जल्दी बोल. 2 इंचेस. लास्ट टाइम कहा था मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सबसे पहले प्लेन की चेक कर लेना है. पहले भी चेक करना है कि आप प्लेन में. ये क्या है? प्लेन बनाते हो तो उसका वेट कितना है? टोटल वेट इंक्लूडिंग बैटरी और जो मोटर है वो कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है? तो इस केस में इसका टोटल फ्लाइंग वेट कितना है विद बैटरी? विद बैटरी कुछ 380 ग्राम्स है. और थ्रस्ट एज पर अनिकेत जो डिवाइस मोटर का है वो 600 ग्राम्स का है. मतलब थ्रस्ट प्लेन के वेट से बहुत ज्यादा है. ऑब्वियसली ये तो फ्लाई करेगा. अभी देखना ये है कि ये कितना स्पीड में फ्लाई करता है बिकॉज थ्रस्ट इज टू मच. एंड वॉट एवर इट इज, लास्ट टाइम जैसे कहा था कि आरसी प्लेन्स फन फ्लाइंग होते हैं. फ्लाई करते समय बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है. अगर आपके सारे कैलकुलेशंस, उसका मेकिंग, सीजी प्रॉपर सब प्रॉपर है तो आपका प्लेन 100% उड़ेगा. कैमरा पलटाता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ इसका जो मेडन फ्लाइट है वो कैसे होता है. इसका ग्लाइड टेस्ट करने वाले हैं जो क्रैश हो गया. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. ग्लाइड टेस्ट मतलब क्या होता है कि प्लेन को विदाउट एनी मोटर या इलेक्ट्रॉनिक ऑन करके सिर्फ हवा में फेंक देते हैं. तो प्लेन अगर एकदम से ऐसे जा रहा है तो उसका सीजी थोड़ा सा पीछे करना है, मतलब बैटरी थोड़ी पीछे सरकानी. प्लेन अगर ऐसे हो कि गिर रहा है तो दैट मीन्स इट इज स्टॉलिंग. तो उस समय में बैटरी थोड़ी सी आगे करनी है. प्लेन जो है वो ऐसे गिरना चाहिए, ऐसे समझो विंग है, इस लेवल में गिरना चाहिए. एक बार देखते हैं ग्लाइड टेस्ट करके. चलो ये नीचे क्यों जा रहा है भगवान? देखो तो हवा नहीं है. यहाँ से हवा आ रही है, बिल्कुल यहीं से फेंकना है हमें. ठीक है रेडी? थोड़ा स्पीड में फेंकता हूँ. ठीक है रेडी स्टेडी. एक थोड़ा सा अप ट्रिम करना एलिवेटर, मतलब फेंकने के बाद यू कैन इजीली डिसाइड. वो थ्रॉटल है. बैटरी को सिक्योर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. बैटरी सिक्योर नहीं रहेगी तो फ्लाइट के समय में ऐसा आगे पीछे होगी, उसकी वजह से सीजी गया. ये जितनी भी चीजें फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ, ईएससी कैलिब्रेशन थ्रोज, ये सब चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे. आरसी प्लेन की प्लेलिस्ट है यहाँ पे, ये रही, उस पे जाओ और सारे वीडियोस चेक करो. इट इज आज तो flying. मजा आएगा. रुक जाओ भाई मैं पीछे आ जाता हूँ. उड़ाते हैं इसे. प्लेन एक्चुअल में स्पिन हुआ और वो स्पिन कौन सी डायरेक्शन में हुआ मैं थोड़ा सा वीडियो बंद करके मैं बताता हूँ. रुको कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़. तो हमें प्रॉब्लम पता चल गया है, मोटर के टॉर्क इफेक्ट की वजह से प्लेन जो है वो रोल हुआ. हमेशा फ्रेंड्स याद रखना जिस डायरेक्शन में आपकी मोटर घूम रही है उस डायरेक्शन में थोड़ा सा ट्रिम करना. इस डायरेक्शन में घूम रही है लेफ्ट से राइट, तो राइट ट्रिम करना है. ट्रिम क्या होता है यहाँ पर, ये इसको ट्रिम बोलते हैं, ये एलरॉन का ट्रिम है. इसको राइट ट्रिम करना है. ठीक है जो हमने अभी पूरा कर दिया है. प्रोपेलर राइट से लेफ्ट की तरफ घूम रहा है तो लेफ्ट ट्रिम करना है, इससे टॉर्क इफेक्ट कम आएगा. अनिकेत भाई का एक बढ़िया सा डिसीजन था कि इसके पीछे जाके फ्लाई करते ताकि वो क्रैश हुआ भी तो घास में. तो ऐसे थोड़े से एक्सपीरियंस पायलट हमेशा होने चाहिए. हाँ रेडी, मेरे को आना पीछे चाहिए. अभी देखते हैं सेकेंड फ्लाइट.
ओके, इट वाज मच बेटर देन बिफोर, बेटर देन फर्स्ट फ्लाइट। अभी है थर्ड ट्रायल, रेडी रेडी। साले को बम से उड़ा दूंगा। तो सीजी है वो शायद आगे की तरफ है, इसकी वजह से प्लेन नीचे जा रहा है और थ्रॉटल भी थोड़ा सा कम है। थ्रॉटल भी आपने देना चाहिए लाइक 70-80% देना चाहिए, खाली टेक ऑफ के वक्त, बाकी टाइम नहीं। अभी फोर्थ फ्लाइट, अभी उड़ना ही चाहिए और उड़ेगा ये, ठीक है। थ्रॉटल देना 80% और कंट्रोल करना। वो अच्छा है कि इसकी जो मोटर है वो बैक साइड है, डैमेज कम है। तो अभी 10 प्रोपेलर टूट जाते। नकली नोट छापने का धंधा है क्या? थ्रॉटल, यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फक फक, दिस इज सो हार्ड टू कंट्रोल मैन। और ये मैंने 50% से नीचे था, तुमसे ना हो पाएगा। तो एटलीस्ट ये उड़ा, जो हमने स्ट्रेटजीज लगाई उसके अकॉर्डिंग ये प्लेन उड़ा। और ओ, इसका नोज तो मतलब बोट बन गई है, ये बोट बन गया। आप देख सकते हो, रिपेयर भी कर दूंगा मैं अभी के अभी। ये देखो बोट बन गई है, बोट वायर्स निकल गए। हाँ, एसी की वायर्स निकल गई है, बोट हो गया, बोट हो गया है। आबरा कड़ाबरा करके रिपेयर करते हैं, प्लेन इज रिपेयर्ड। इसलिए फ्रेंड्स, आरसी प्लेन एक ऐसी हॉबी है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। घर पे मोबाइल लेकर उसके अंदर गेम खेलने से कुछ नहीं होता, ऑन फील्ड आके ये सब चीजें करने में आपका माइंड बहुत ही शार्प बनता है। A few moments later. चलो अभी एक और ट्राई करेंगे हम, फिंगर्स क्रॉस्ड। इस बार फिंगर्स, टोज, हेड, हैंड, लेग सब क्रॉस्ड है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऊपर 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 ऊपर। आ क्या बात है, फक नहीं, गजब बेइज्जती है। और ये बढ़िया, को पैसा बर्बाद पे। लगातार क्रैश, इसका मिसाइल निकल गया। हाँ, मिसाइल निकल गया। ओ, दो में से एक मिसाइल। तो क्या बिना मिसाइल के उड़ेगा? नहीं, मजा नहीं आएगा उसको। हाँ, टेप से लगा सकते हैं। हाँ, उस मिसाइल को टेप से लगा सकते हैं। एक मिसाइल निकल गई है फ्रेंड्स। रेडी? हाँ रेडी। अभी आप पकड़िए ये, हम बगड़ते इसे, लेफ्ट स्विच ऑन है। जैसे मैं भी नर्वस हूँ फ्रेंड्स। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं भी नर्वस, बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा रोल बहुत ज्यादा छोटा है ये, बट लेट्स सी। मैं ऐसे करूंगा, ऑन चलेगा? चलेगा। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल खत्म। बेटे, बेटे मौज कर दे। और भाई आ गया स्वाद। मेरी किस्मत ही खराब है। फ्रेंड्स, ये जो क्रैश हुआ है इसमें एक्चुअली कट गया है, अंदर से उखड़ गया है निकल के। अभी मुझे नई डिवाइस खरीदनी पड़ी। प्लेन हो गया क्रैश। सबसे मेन चीज, हमारी महंगी बैटरी बच गई। डिजाइन बहुत ही अच्छी थी प्लेन की, ये देखो कुछ भी नहीं हुआ। ये भाई को मुझे मोटर देनी पड़ेगी अभी। चलो, अगर आप सब्सक्राइब करते हो, 100K तक पहुंच जाते हैं, तो डिवाइस मोटर का मैं गिव अवे कर दूंगा। चलो जल्दी से जल्दी 100K तक हम पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है, सब्सक्राइब करना है। और हम मिलते हैं अगले फ्लाइट में।